लोकसभा चुनाव को लेकर बदायूं में सपा की सियासत करवट ले सकती है। एक बार फिर उम्मीदवार बदलने के संकेत सामने आए हैं। सपा के दिग्गजों में हर स्तर पर दो तरह की राय सामने आई है। एक बड़ा वर्ग दो बार बदायूं से सांसद रहे धर्मेंद्र यादव को फिर से उम्मीदवार बनाना चाहता है, जबकि सपा के ही कुछ नेता धर्मेंद्र यादव से खफा हैं। वे उनको ना लड़ाए जाने का आग्रह पिछले दिनों सपा मुखिया अखिलेश यादव से भी कर चुके हैं। इसके बाद ही धर्मेंद्र यादव के स्थान पर शिवपाल सिंह यादव का भी नाम आया है। अब सपा के सूत्रों का कहना है कि खुद शिवपाल सिंह यादव बदायूं से चुनाव लड़ने के लिए उत्साहित नहीं है, संबल उनकी पसंद बताई जा रही है, इसलिए पहले उनका बदायूं आगमन टला, फिर लगातार दूसरी बार उनके बेटे आदित्य यादव का भी दौरा टल गया। आदित्य यादव को अपने पिता शिवपाल यादव की चुनावी कमान संभालने के लिए यहां आना था। उनका दो बार दौरा लगा पर एक बार भी नहीं आए। सपाइयों ने रविवार दोपहर बताया था कि आदित्य यादव सोमवार को आ रहे हैं। सपाइयों ने उनके स्वागत और चुनावी अभियान की शुरुआत को लेकर तैयारियां बैठक कर ली, लेकिन शाम 7 बजे उनका कार्यक्रम निरस्त होने की जानकारी सामने आई और इसकी पुष्टि सपा के स्थानीय पदाधिकारियों ने भी की। बताया गया कि आदित्य यादव का कार्यक्रम टल गया है, इससे अब उम्मीदवार बदले जाने की संभावना जताई जा रही है। इसकी पुष्टि इससे भी हो सकती है कि अब तक कोई चुनावी बैठक भी नहीं हुई। फिलहाल स्थानीय पदाधिकारियों की निगाहें नेतृत्व के फैसले पर टिकी हैं। लोकसभा चुनाव की बिसात बिछने लगी है। बता दें कि भाजपा ने प्रत्याशियों को लेकर अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बदायूं मुस्लिम और यादव बहुल है। इसी समीकरण से किसी समय ये सपा की मजबूत सीट मानी जाती थी, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चचेरे भाई सांसद रहे धर्मेंद्र यादव को शिकस्त देने के लिए भाजपा ने संगमिया मौर्य को मैदान में उतारा था। धर्मेंद्र यादव हार गए थे। चुनावी के बाद सियासी घटनाक्रम बदलता रहा। संगमित्रा के पिता स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में रहे। सपा में रहते केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर सियासी हमले किए। तभी से भाजपा के अंदर उनकी बेटी की टिकट लेकर संशय हो गया। पहली लिस्ट में नाम न आने पर संशय और बढ़ा है। बदायूं सीट को सपा ने अपने पाले में करने के लिए शिवपाल सिंह यादव को मैदान में उतारा है। ये अलग बात है कि शिवपाल सिंह ने आने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम इकबाल शिबानी, सपा राष्ट्रीय सचिव रहे आबिद रजा की चुनौती सामने आई है। दोनों ने सेक्युलर फ्रंट बनाकर सहसवान में बड़ी रैली की। इसके बाद सपा के लिए एक चुनौती सामने आ रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।